जय गुरुदेव। बात है सन 1977 की। इमरजेंसी खत्म हो चुकी थी, चुनाव की घोषणा भी खत्म हो चुकी थी और परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अयोध्या में सरयू नदी किनारे विशाल सत्संग का कार्यक्रम आयोजन किया था। उस जगह जहाँ पर त्रेता में महाराज जनक ने पुत्रोष्ठ यज्ञ किया था, मई का महीना था, यज्ञ मंडप बन रहा था, भयंकर आंधी आई थी और ओले भी गिरे थे, बिल्कुल जाड़े जैसा मौसम हो गया था। लोग ठंड से ठिठुरने लगे थे, छप्पर बनाए गए थे, परंतु स्वामी जी महाराज जब दोपहर बाद आंधी पानी आया तब अपनी चारपाई पर छाता लगाए बैठे थे। सत्संग प्रेमी इधर उधर मैदान में शरण लिए हुए थे, छिपने का स्थान ज़्यादा नहीं था। सरयू नदी की रेत तीर की तरह शरीर में चुभ रही थी, जैसे कि मतलब छींटे मारते हैं, उसी प्रकार रेत उड़ उड़कर बदन पर आ रही थी। इतनी भयंकर आंधी आई थी कि मानो कयामत आ गई है। थोड़ी देर में पानी का गिरना बंद हो गया, लेकिन हवा तेज चलती रही। तो गोरखपुर के एक गुरु भाई मणिराम जी ने एक तसले में परम पूज्य स्वामी जी महाराज को तापने के लिए आग जलाई। मई का महीना और ये ठंड, इसका अनुभव पहली बार अयोध्या वासियों ने किया था। नवंबर दिसंबर की सर्दी भी फेल हो गई थी। ऐसा लगा कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज उन साधुओं और नगरवासियों को ये दृश्य दिखाए जिन्होंने मई के महीने में बाबा जी के यज्ञ के आयोजन को लेकर प्रचार किया था कि बाबा जी अपने प्रेमियों को लू की गर्मी में मार डालना चाहते हैं। बाद में आंधी रुकी और मंद मंद वायु चलने लगी। शाम हो चुकी थी लेकिन फिर थोड़ा उजाला था। यज्ञशाला के पास प्रेमी लोग खड़े थे और परम पूज्य स्वामी जी महाराज भी साथ खड़े प्रेमियों से बातचीत कर रहे थे। सरयू नदी की तरफ सबका मुंह था। यज्ञशाला का चबूतरा बन चुका था और छप्पर को छाने की तैयारी चल रही थी। सरयू का किनारा केवल एक फलांग की दूरी पर था और एकाएक तेज हवा का झोंका आया और यज्ञशाला के सामने गड़े हुए दो बांस उखड़कर नदी की दिशा में गिर पड़े और मिट्टी हटने के साथ ही दो काले सांप भयंकर फन वाले बाहर निकल आए। और बाहर निकलते ही दोनों सांप परम पूज्य स्वामी जी महाराज की तरफ मुंह करके फन फैलाकर खड़े हो गए। तो वहां जितने भी लोग खड़े थे इस दृश्य को देखकर भयभीत हो गए। सबकी जान सूख गई क्योंकि काल सामने था, भागने की जगह थी नहीं, चारों तरफ मैदान ही मैदान। कुछ पलों में स्वामी जी महाराज उन सांपों के जोड़े को देखते रहे और वे सांप भी परम पूज्य स्वामी जी महाराज को देखते रहे। बड़ा ही अजीबो गरीब दृश्य था। सांपों ने फिर धीरे से अपने फनों को जमीन पर रखा, जैसे कि मानो कि मतलब वो प्रणाम कर रहे हों, और पीछे की तरफ वे सर्प मुड़े और नदी की तरफ चले गए। दूसरे दिन सुबह जब यज्ञ के आचार्य जो अयोध्या के निवासी थे उनसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने पूछा कि पंडित जी, अगर यहाँ सांप निकले तो उसका क्या फल होगा? तो आचार्य जी ने एक श्लोक पढ़ा तो स्वामी जी महाराज ने कहा, इसका मतलब इन लोगों को बतलाइए, तो जिस शुभ कार्य के लिए नाग का जोड़ा दर्शन दे वो कार्य निर्विघ्न पूर्ण होता है और उसमें कोई व्यवधान नहीं आता। और उन्होंने ये भी कहा, महाराज जी जब आप यहाँ स्वयं मौजूद हैं तो विघ्न और बाधा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ। और फिर परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने घोषणा की, देवता प्रसन्न हैं, इस वर्ष इतना गन्ना और इतना चावल पैदा होगा कि लोग उठा नहीं पाएंगे। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। गन्ना खेतों में पड़ा रहा और उस वर्ष गन्ना खेतों में जलाया गया, इतना अधिक पैदावार हुआ। धन्य है गुरु महाराज, धन्य है। जय गुरुदेव।